चलिए ये बहुत ज़्यादा भारी है भाई, अभी पे लेट जाता हूँ गोस्ट राइडर। अरे यार समझ में नहीं आता मुझे क्या होगा। सरपिन डांसिंग लेडी उस बंदे को कैसे मार सकती है जिसने उन दोनों को पकड़ा। वो लोग जरूर बहुत ताकतवर होंगे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। दोस्तों इसका पहला एपिसोड आपने नहीं देखा तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और तुमको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार वो सरपिन डांसिंग लेडी हमसे चाहती है हमें मारना चाहती है। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ लेकिन उन्होंने मुझे मुर्गा बना दिया और मेरे साथ साथ सिंचैन को भी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खतरनाक वो हो सकती हैं लेकिन है वो दोनों सरपिन डांसिंग लेडी, वो माँ और बेटी हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम जानना चाहते हो हमारे साथ क्या हुआ दो पार्ट के अंदर तो दोनों पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उनकी मिल जाएगी, देख लेना तभी आपको समझ में आएगा। और उन्होंने घोस्ट राइडर को भी कैसे मारा। देखो घोस्ट राइडर को मैं शायद वापस से सही कर सकता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कैसे और कब, इसलिए मैंने उसको अपने गैराज में रख लिया है और सिंचैन और चॉप के ऊपर मैंने पहरेदारी पर रख दिया है कि अगर सरपिन डांसिंग लेडी दूर कहीं पर भी दिखे तो उनको शूट कर दिया जाए। हालांकि मुझे पता है वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल शैतान है, उन्हें मारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाएगा वो कहाँ पर है, वो कब आ रही है, कितनी टाइम आ सकती है हमारे पास, तो हमें चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है सिंचैन, 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 है फ्रैंकलिन, सिंचैन सब कुछ ठीक है ना है? अभी तो कोई नहीं दिख रही फ्रैंकलिन, दूर दूर तक कोई नहीं, खैर सन्नाटे बहुत ज्यादा है लेकिन कोई सरपिन डांसिंग लेडी मुझे नहीं दिख रही ही। मुझे भी नहीं दिख रही है। चौकन्ना रहना चुप। मैं चौकन्ना हूँ यार, आएगी तो मैं दांत काट लूंगा। वेल अरे क्या बात कर रहे हो यार। सही कह रहा हूँ यार, मैं उसको दांत काट लूंगा, वो मैं मरने वाली थी यार। अच्छा अच्छा खैर, अरे यार चलो अच्छा ठीक है समझ गया, कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, अभी वो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। ठीक है मैं ऊपर आता हूँ, ठीक है ऊपर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ घोस्ट राइडर मेरे भाई तुम ठीक हो जाओ, उन्हें मारने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है बाहर चलते हैं। ठीक है मैं ऊपर आता हूँ, हथियार ले लेता हूँ पहले। ठीक है यार सारी गन मैंने दोस्तों गन इकट्ठा कर लिया, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सरपिन डांसिंग लेडी कोई भी वक्त हमारे घर आ सकती है और वो हम सबको मार सकती है। पता नहीं वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम जानते हो यार कि घोस्ट राइडर को अगर वो मार सकती हैं तो मुझे मारने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी वो मार नहीं रही ना आ रही हैं। आएगी फ्रैंकलिन। हाँ आ गया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। मैंने घोस्ट राइडर को साइड में लगा दिया यार, उम्मीद करता हूँ कि वो सही हो जाए, वो तो मर गया ही। बिल्कुल सही यार, वो तो मर गया। वेल हाँ मुझे पता है वो मर गया लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इंतजार तो करना ही होगा, अगर घोस्ट राइडर जाग गया तो ठीक, नहीं तो हमारा लगता है मरना ही आस्ता है और शायद हो सकता है कि हमारे लिए लास्ट पार्ट हो। ऐसा मत कहो यार, भी मुझे मरना नहीं है बिल्कुल भी, भरी जवानी में। भरी जवानी में? भाई तुम तो अभी बच्चा हो साले, भरी जवानी में बेवकूफ़ होगा तुम सिंचैन एक नंबर के। चलो ठीक है फिर, उन लोग को आने का इंतजार करते हैं। फ्रैंकलिन मेरे ख्याल से हमें छुप के पहरेदारी करनी चाहिए यार, तुम जानती हो यार वो हमें दूर से कहीं देख रही होंगी। हाँ बात तुम एकदम सही कहो यार सिंचैन, वो दूर से भी हमें देख सकते हैं। तो फिर बताओ कहाँ पे छिपा जाए, ऐसी जगह जहाँ पे हमें देखने से की और जैसे ही वो आए हम उनको शूट कर दें। इन सब को करने का कोई मतलब भी नहीं बनता यार, अगर शूट भी करेंगे तो वो मरेंगे नहीं। अबे चुप, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं है? अगर तुमको लगता है कि तुमको कोई बीमारी से मौत होने वाले तुम साले डॉक्टर के पास ना जाओगे हैं, बस मरने का इंतजार करोगे? ऐसे नहीं यार। तो बस वही चीज ना, हमें पता है कि हम सरपिन डांसिंग लेडी से नहीं लड़ सकते लेकिन कम से कम अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ट्राई तो कर सकते हैं ना, अगर मरना ही है तो काहे डर के मरे हैं, क्यों मैं बताओ तुम सिंचैन? बिल्कुल सही कह फ्रैंकलिन। चलो ठीक है फिर, कौन रास्ता हम लोग ढूंढते हैं, मतलब कोई जगह ढूंढते छिपने के लिए, अब वहीं से हम लोग बढ़िया ताड़ेंगे अच्छे से। अब जहाँ दिखेंगे सरपिन डांसिंग लेडी उधर निहुराए देंगे। चलो जल्दी करो आ जाओ भाई, ये मस्त जगह है सिंचैन, तुम इधर ले लो जंगला साइड। ठीक है फ्रैंकलिन, अब सही ही देखती जाओ। चलो आ जाओ सरपिन डांसिंग पांसिंग लेडीज। हे तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो अभी लाइक कर दिया करो, तुम साले खाली बस वीडियो देखते रहते हो, बहुत बेकार लोग हो तुम लोग, वीडियो लाइक नहीं करते तो कर देना यार। अगर सरपिन डांसिंग लेडी को मैं मार दूं, तुम चाहते हो फ्रैंकलिन को कुछ ना हो, सिंचैन को कुछ ना हो और साथ में चॉप को भी, तो प्लीज ऐसा कर देना। अबे चॉप तुम उधर क्या कर रहे हो? अरे यार आ गया, आ गया। अब जल्दी लग जाओ कोने में, समझ गया कि नहीं सिंचैन के पीछे? ठीक है समझ गया यार। अबे समझो ना, लग जाओ। चलो आ जाओ सरपिन डांसिंग लेडी, अभी तक वो आ नहीं रही है, अच्छी बात है दिन हो जाएगा, जब दिन हो जाएगा तो वो आएंगे ही नहीं। ये कौन है? कोई है घर पे? कोई है कहाँ? अरे होट बता बेटा। अरे ये है कौन? मुझे नहीं समझ में आता कौन है फ्रैंकलिन, ये सरपिन डांसिंग लेडी तो नहीं लग रही है कौन? अरे बेटा मुझे प्याज रोटी दे दे, भूख लगी है, मर जाऊंगी, रास्ते भटक रही हूँ। अबे प्याज रोटी, ये बुढ़िया जाती क्या यार? अरे मैं क्या करूँ यार, मैं लेकर आऊँ प्याज रोटी यार? नहीं नहीं ऐसा मत करना, पता नहीं क्या प्याज रोटी लेने के बाद क्या करेगी हमें नहीं पता, ऐसा मत करनी। कसम मर गए कारे हरामी वाओ। पे यार ये उल्टा सीधा भाग रही है। फ्रैंकलिन मैंने प्याज रोटी वाली चुड़ैल के बारे में सुना है, बहुत ही खतरनाक है।
अबे यार पूरी दुनिया के चुड़ैल को खाली हमारे ही पास आना था क्या? पहले सर्बियन डांसिंग लेडी, प्याज रोटी वाली चुड़ैल। अरे यार हद है। अब क्या करे बताओ यार, बचाओ प्याज रोटी लेकर आओ। अबे तुम पागल हो कभी? चुप एक नंबर के, बिल्कुल बेवकूफ रही हो तुम। मैं बस कह रहा हूँ यार, अपनी जबान अंदर रखो, चुप करो। बेवकूफ कहीं के। अरे यार मैं क्या करूँ। ठीक है तुम लोग अंदर ही रहना, मैं देखता हूँ। मत करो फ्रैंकलिन, मत करो, वो मार देगी। अरे रुको यार, तुम तो रहे। जी बताइए बेटा, तू तो यही छुपा था, बोल क्यों नहीं रहा था बेटा? अरे अब बोल रहे ना, बताओ क्या हुआ तुमको है? मुझे भूख लगी बेटा, प्याज रोटी है का तेरे पास? अरे हमारे पास प्याज रोटी अच्छा हाँ है, तुम भूत तो नहीं हूँ? अरे बेटा कब से इधर उधर भटक रही हूँ, कौन हमको नहीं खिला रहा प्याज रोटी? चलो ठीक है, अच्छा हम लेके आते हैं, लेकिन देखो भूत मत बन जाना ठीक है, प्याज रोटी खाने के बाद। वैसे भी हम लोग दो भूत का इंतजार कर ही रहे हैं मारने के लिए, दो चुड़ैल मतलब। कौन है रे बेटवा, मुका बताओ तू पहले। सर्बियन डांसिंग लेडी माँ जी। और ठीक है मैं प्याज रोटी लेकर आता हूँ, आप यहीं पर रहना ठीक है? हाँ बेटवा हम यहीं रहेंगे। ठीक है तुम लोग यहीं पर रहो। मैं नहीं रहूँगा। अबे फट्टू कहीं गए? चलो अच्छा ठीक है मैं साथ आऊँ। हमारे माँ जी ठीक है, आप वहीं पर रहना। ठीक है बेटवा। आखिरकार चल क्या रहे फ्रैंकलिन? मुझे खुद समझ में नहीं आता यार, हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी का आश्रय देख रहे थे और ये पता नहीं कौन सी प्याज रोटी वाली चुड़ैल आ गई। खैर मुझे तो चुड़ैल नहीं लग रही, तुम पता नहीं कहाँ सुन लियो बे सिंचैन पागल बेवकूफ। और देख रहा गेम कैसे उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, अबे कोई चीज़ सही से दिख भी नहीं रहा। खैर ठीक है भाई, कहाँ है प्याज रोटी? प्याज रोटी है भी कि नहीं अपने पास? हाँ सिंचैन होगी ये, देखो देखो कहीं ना कहीं होगी। रुको रुको इधर देखते हैं ओवन में। ठीक है चलो आ जाओ, लेकर चलते हैं प्याज रोटी, चलो जल्दी करो। ठीक है बस कोई दिक्कत ना हो यार। फ्रैंकलिन मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है। अबे आओ तो तुम कम से कम सिंचैन, इतने बड़े फट्टू एक नंबर के हो, आ जाओ। तो माँ जी आप यहीं पे हैं? हाँ बेटा ला दे प्याज रोटी। ठीक है लो। मैं कोई प्याज रोटी वाली माँ नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। फ्रैंकलिन अरे बाप रे, तब कहाँ बच के जाओगे? ये लो फ्रैंकलिन, तुमने उसको मार दिए। अबे हमको भी ऐसा लग रहा है, प्याज रोटी वाली चुड़ैल काम खत्म लगता है, मर चुकी है। अरे यार यहाँ पे चल क्या रहे समझ में नहीं आता, हम सर्बियन डांसिंग लेडी के वेट कर रहे थे लेकिन ये प्याज रोटी वाली चुड़ैल आ गई। हाँ 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 बिल्कुल सही कहा तुमने, फिर भी लेकिन हमने इसको मार दिया यार, ये अच्छी बात है। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी क्या है? पता नहीं जहाँ पर भी हो। रुको मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ, ठीक है? आ जाओ प्याज रोटी वाली चुड़ैल, आ जाओ। चलो मैं तुमको जल्दी ठिकाने लगा देता हूँ, वही सही रहेगा। सर्बियन डांसिंग लेडी भी आएगी तो वैसे उसको भी हम मार देंगे, ठीक है? अब गोस्ट राइडर के साथ तुम यहीं पर रहो। चलो अभी आराम करते हैं, मुझे नहीं लगता सर्बियन डांसिंग लेडी आएगी। ऐसे क्यों ही है, क्यों नहीं आएगी? वो दोनों माँ बेटी कहीं ना कहीं से देख ही रहे होंगे सारे माचरे, और वो जान भी गए होंगे कि हम कितने खतरनाक हैं। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे चुड़ैलों का वास है, शैतानों का वास है, चारों तरफ बस खतरनाक आत्माएं भटक रही हैं। यहाँ पे इंसान नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये है कि हम एक डेमन अपोक्लिप्स में, समझ गए कि नहीं? डेमन अपोक्लिप्स ये क्या ही? ये तो ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स होता है ना, वैसे डेमन अपोक्लिप्स। यहाँ पे इंसान कम होंगे लेकिन शैतान ज्यादा होंगे। ये तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे डर लग रही। अरे तुम बहुत ही डरा था, चलो आराम करते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी तो अभी नहीं आने वाले, वो जैसे ही बेवकूफ़ आएगी ना हम उसे फोड़ देंगे। आ जाओ जल्दी करो, आराम से बैठते हैं घर के अंदर। वो डर गई होगी दूर से देखकर, वो जानती है कि हम क्या कर सकते हैं। आ जाओ। वो फ्रैंकलिन से पंगा लेने वाली थी, और जानती वो नहीं फ्रैंकलिन है क्या चीज़। फ्रैंकलिन जब अपने आप पे आ जाता है ना तो कुछ भी कर सकता है, और फ्रैंकलिन कभी भी किसी से नहीं डरता, कोई से भी नहीं, चाहे जो भी हो, चाहे सर्बियन डांसिंग लेडी हो, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे प्याज रोटी वाली चुड़ैल भी हो। चलो थोड़ा सा पार्टी वार्टी मस्त करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। और सर्बियन डांसिंग लेडी वो डरपोक हाँ है ये ओए क्या वो? अरे ये लोग तो यहाँ पर है। कैसे हो फ्रैंकलिन? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बाप रे तुम्हारी घर आ गए। नहीं मैं इसके दांत काट लूंगा। रुक 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 चुप रुक रुक, पहले बात करने दें से। माँ बेटी तुम लोग यहाँ पे कैसे आई, अंदर कैसे आई? प्याज रोटी याद है कि नहीं? तो तुम दोनों ने उसको भेजा था? हमारी शागिर्दी थी। लेकिन वो मरी नहीं, अब तक वो निकल चुकी होगी, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। हमने तो सिर्फ उसको उलझाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था।
मेरी घर से चली जाओ मेरी घर से, हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई तुम लोग? मुझे तुम लोग बहुत काम के लगते हो इसलिए हम तुम्हारे घर आए। तो बताओ क्या चाहते हो तुम? देखो ये कोई डेमन्स की दुनिया नहीं है तुम बोल रहे थे ना डेमन अपोकलिप्स। हाँ तो यहाँ पे इंसान रहते हैं अगर तुम हमें इंसान ला कर दो और हम उनका खून पिए तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मम्मी क्या बात कर रही हो तुम, उनसे डील करोगी क्या? बिटिया ज्यादा तीन पाँच ना कर नहीं तो तोर मुना मुना पीट दे पाए, समझे कि नहीं? मम्मी तुम जो बोलती रहोगे हम लोग साथ में खाली दुए लोग रहेंगे, अपन सागिर्द सबको बनाएंगे, इन लोग को मार देंगे, इन लोग हमको घोस्ट राइडर से कितना बेहतरी करवाई है। बिटिया तुझको पता नहीं अभी तू बच्ची है इनके अंदर हमको कुछ दिखा कुछ ऐसा जो हमारे लोग के लिए इन लोग कुछ कर तो बताओ हमारा साथ दोगे नहीं तो मरो। क्या हो गया तुम सुनचैन? बिल्कुल नहीं इनके साथ बिल्कुल नहीं देनी तो लगता है मरियो तुम लोग अब इससे पहले तुम मरो। चलो भागो यहाँ से जल्दी 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 भागो जल्दी जल्दी जल्दी। कितने बेवकूफ हैं चलो मार देते हैं फिर बिटिया। इन्होंने अपना जल चला लिया मरो चुड़ैलो जल्दी करो अंदर। तुमने क्या किया? मैंने वहाँ पे बॉम्ब लगाया था जल्दी करो उड़ा दिया उनको जल्दी करो जल्दी बैठो जल्दी। अरे ये लोग भी आ गए निकलना होगा जल्दी करो। ठीक है फ्रैंकलिन के वो मर जाएंगी? नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं मरेंगे लेकिन फिर भी हमारे पास भागने का वक्त है। अभी तो हाथ मिलाना चाहती थी फ्रैंकलिन, क्या वो सही सौदा थे? बिल्कुल नहीं तुम्हें तो मना किया था, उनको लगता है हम उनको इंसान ला के देंगे वो उन्हें आराम से मार सके। हाँ बेवकूफ़ समझ के रखा है। तो अब कहाँ जाएंगे यार? मुझे पता है हमें कहाँ जाना है, परेशान मत हो मेरे पीछे आते ही रहेंगे हमारे पीछे नहीं छोड़ेंगी। मुझे पता है यार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस घर में जाने की, मैंने पहले ही तुमसे कहा था लेकिन तुम उड़ते रहते हो बहुत ज्यादा। मैं भी डरता हूँ मुझे भी डर लगती है लेकिन फिर भी लोगों की मदद करना मेरा काम है। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था, भूतों को पकड़ता था लेकिन ये लोग भूत तो नहीं है, उससे बदतर से बदतर है यार। सरपियन डांसिंग लेडी प्याज वाली चुड़ैल न जाने क्या 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 यार दिमाग खराब करके रख दी इन लोग। हाँ ये कौन है? अरे ये तो वही है प्याज रोटी वाली चुड़ैल। अरे यार हमारे पीछे पड़ी हुई है, मेरी बागू फ्रैंकलिन बागू उसके हाथों में आरी लगी हुई है मार देगी। अरे यार ठीक है मैं तो ऊपर हूँ यार, वो सबसे पहले मुझे मारेगी, अंदर लो मुझे यार। अबे बैठे रहो यार, अबे अगर रोकेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और मार डालेगी। तो कहीं जाएंगे अब कहीं जाएंगे वो मेरे पीछे ही? नहीं नहीं पीछे वो छोड़ चुकी है, पीछे वो छोड़ चुकी है। ठीक है आराम से चलते हैं। अरे यार ये सर्बियन डांसिंग लेडी और प्याज वाली छुड़ैल दोनों माँ बेटी और साथ में एक और वो उसकी सागिर्द है। अब क्या कर समझ में नहीं आता, कहाँ जाने वाले थे भूल के कि मुझे याद है लेकिन वहाँ नहीं जा सकते वो जान जाएंगे। अरे यार यहाँ पर कुछ चल रहा है, एक मिनट ये क्या यहाँ हो क्या रहा है? हाँ ठीक है यहाँ पर कुछ गुंडे हैं, ये लो इनको मारने में मदद कर सकते पुलिस वालों की और पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। ये लो ठीक है ये लो। साले रुक जा ये लो। ठीक है चलो आ जल्दी पुलिस वालों के पास, सर हमारी मदद कीजिए, सर हमारी मदद कीजिए। अरे नहीं आ गई ये नहीं 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 तेरी बचाए मुझे फ्रैंकलिन। अरे नहीं 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 फ्रैंकलिन ये मुझे मार रही है। अरे ये अरे यार इसको लगी नहीं रही है फ्रैंकलिन बचे, हमें जल्दी निकलना होगा जल्दी करो सिंचन यादव जल्दी करो। लगता है मैंने मार दिया या फिर जख्मी कर दिया लेडी जी बहुत खुश होंगी, चलते भी इनको लाई चलती हूँ यहाँ से ए ए प्याज रोटी वाली छुड़ैल कौन है? हम ए ए ए प्याज रोटी वाली छुड़ैल कहीं की हमसे पंगे ये ले काम खत्म देखते हो जाके प्याज रोटी वाली चुड़ैल पंगल होगी ना तो यही होगी तुम्हें। चलो एम्बुलेंस तो आई रही जल्दी से, मुझे जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा और अपने सारे ऑफिसर्स को भी। अरे यार बहुत बुरी तरह से इसको मारी है और इसको भी। ए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारी जान बचा ली सर, आ गई फायर ब्रिगेड वाले। तुम वही कुत्ते हो ना जो इसके साथ आए थे इन्वेस्टिगेट करने वो वाले घर में? हाँ मैं वही हूँ, वही मेरे दोस्त को बचा लीजिए, ये दोस्त और वो भी। कौन वाले? वो उधर। अच्छा वो भी क्या? हमारी टीम आ रही है बचा लेगी, एम्बुलेंस भी, लेकिन लोग की हालत बहुत खराब है देखो बच पाते कि नहीं। खैर
कहीं भागने मत। मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर। जल्दी मैं बैकअप बुलाता हूँ। हे जल्दी बैकअप बुलाओ। ओके सर। अब देखते हैं आगे क्या करना है। जल्दी इनको लेके चलते हैं जेल।